नमस्कार। और हमारे बीच इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। उनका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस कॉन्क्लेव में। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप उनका स्वागत करें। 21 का उत्तराखंड और हमारा ये जो अगला सेशन होने जा रहा है, ये सेशन होगा युवा नेतृत्व, युवा उम्मीद। तो 21 के उत्तराखंड में जो अब युवा हो चला है, क्या कुछ उम्मीदें उत्तराखंड के लोगों की हैं, क्या कुछ देश की हैं, और उन उम्मीदों को साकार करने के लिए किस दिशा और दशा में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी से कि वो मंच पर आएं, हम अपने सेशन की शुरुआत करें। उससे पहले वो एक वेलकम नोट दें। मनोज जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, देवियों और सज्जनों, आपका न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस कॉन्क्लेव में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे कॉन्क्लेव का विषय है 21 का उत्तराखंड, युवा नेतृत्व, युवा उम्मीद। पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और धामी जी ने यह साबित कर दिया कि कैसे एक युवा मुख्यमंत्री बहुत स्पीड से किसी प्रदेश को आगे लेके जा सकता है। जब से धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से स्टेट में जो भी कन्फ्यूशन और केओस था, सारा का सारा दूर हो गया। ऐसे लगता है कि जैसे धामी जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी थी, धामी जी के आसे साथ ही वो सारे के सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण कि उत्तराखंड पूरे देश के मीडिया के फ्रंट पेज में छाया हुआ था, जिसके कारण कोई बहुत अच्छे नहीं थे, वो सारा का सारा दूर हो गया। उसके बाद धामी जी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसके कारण कि प्रदेश की जो प्रगति है वो काफ़ी स्पीड से होने लगी और इसका इम्पैक्ट अभी आने वाले टाइम पे पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि धामी जी से पहले कुछ काम नहीं हुआ। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी जो रिपोर्ट आई है दो दिन पहले की, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस कोरोना काल में भी उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है, वो नेशनल एवरेज से कहीं ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये देखते हुए कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है और कोरोना के जो 18 महीनों का जो पीरियड है उसमें टूरिज्म बिल्कुल ही बैठा हुआ था, उससे बिल्कुल भी जो आय थी वो नहीं हुई। इस सब के बावजूद भी उत्तराखंड के लोगों ने अपना जज्बा दिखाया, उत्तराखंड के लोगों ने मेहनत करी और काम किया और आज की रेट में भी वो नेशनल एवरेज से देश से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। जहाँ तक धामी जी की बात है तो धामी जी ने जो काम करे हैं वो गिनाने के लिए काफ़ी हैं। इन्होंने जो डिसीज़न लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उनमें से कुछ हमने दिखाए हैं, और लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए और ये जो टाइम है ये हमारे टीवी के लिए प्राइम टाइम होता है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा प्रोग्राम शुरू हो। एंड वंस अगेन आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस कॉन्क्लेव। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मनोज जी। और दीपक जी, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि और ज़्यादा इंतज़ार ना हो, टीवी पर हमारे लाखों दर्शक और साथ ही साथ यहाँ मौजूद मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं युवा नेतृत्व, युवा उम्मीद हमारे अगले सेशन। दोस्तों नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। युवा नेतृत्व और युवा उम्मीद, आज मैं ये बात उस शख्स के सामने कर रहा हूं जो देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री है, और ये कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इसी साल उत्तराखंड भी 21 साल का हुआ है, युवा हो चुका है, और इस 21 साल के युवा को अब सरपट भागने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये उत्तराखंड और उम्मीद से भागेगा। लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी जी को एक बड़ी चुनौती को पार करना है, और वो चुनौती है 2022 का मिशन। पुष्कर सिंह धामी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, 100 दिन लगभग आप पूरे करने वाले, 2.5 महीने आपको हो गए, क्या सबसे चैलेंजिंग रहा इस दरमियान आपके लिए मुख्यमंत्री के तौर पर? पब्लिक लाइफ में तो आप मेरे ख्याल से छात्र जीवन से हैं, तो मैं ये नहीं पूछूंगा पब्लिक लाइफ में क्या चैलेंजिंग है, मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले दिनों आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका
धन्यवाद करता हूँ आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का, आपके पूरे चैनल के, यहाँ के भी और जो बाहर के भी सब लोग आए हैं उन सभी का उत्तराखंड में स्वागत भी करता हूँ। देखिए, जहाँ तक चैलेंज की बात है, ऐसा कोई चैलेंज मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत चैलेंज है, बस चैलेंज ये था कि जो चीज़ें आज पूरे देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को पटरी पर लाना, उत्तराखंड को एक विकास की गति में आगे बढ़ाना, और इसके साथ साथ देखिए जैसे ही मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस समय कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत बड़ा हुआ था और चारों तरफ हमारी जो है अव्यवस्था का आलम था, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सीमित संसाधन और बहुत सारी व्यवस्थाएं कम थी। उसके बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया है कि सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं, सरकार लोगों के सहयोगी के रूप में, उनके साझेदार के रूप में कुछ काम करे। उसी दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, और जो योजनाएं हमने पहले से चल रही हैं उन योजनाओं को कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ योजनाओं के लिए हमने टारगेट सेट किए हुए हैं और आने वाले समय में हमको उन्हीं को गति देनी है और आगे के लिए एक रोड मैप जो हमने बनाया है उसको भी आगे बढ़ाना है, उस पर भी काम करना है। रोड मैप पर भी बात करेंगे, आपकी योजनाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आज अनिल बलूनी जी आए थे आपसे पहले सेशन के अंदर, मीडिया प्रभारी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने पहले बॉल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दी, उन्होंने 4 साल चलाई, फिर वो तीरथ जी के पास गई, अब पास पुष्कर सिंह धामी जी के पास गया है, गोल वो करेंगे तो 2022 का गोल होगा। देखिए, अभी 2022 दूर है और अभी हमारा फोकस जो है केवल चुनाव पर नहीं है, चुनाव जब आएगा तो उत्तराखंड की जनता चुनाव पर भी निश्चित रूप से हमारा हमको आशीर्वाद देगी, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारे सामने जो लक्ष्य है कि उत्तराखंड को विकास की ओर बढ़ाना, उत्तराखंड को आगे ले जाना, हमारे नौजवान युवाओं को रोज़गार देना, हमारी माताओं बहनों का जो स्वरोजगार के कार्यक्रम है उनको और तेज़ी से बढ़ाना, मातृशक्ति का जो है और उत्थान के लिए काम करना, यहाँ के आंदोलनकारियों के लिए काम करना, हमारी चारधाम यात्रा अभी रुकी हुई थी उस चारधाम यात्रा को चलाना, चूँकि सैनिकों का प्रदेश है, इस प्रदेश को हर तरीके से आगे ले जाना, यहाँ का पलायन रोकना, ये सब हमारा अभी पहला लक्ष्य है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप खुद एक सैनिक के परिवार से आते हैं, आपके पिताजी सैनिक थे, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके आर्थिक पैकेज के बारे में। जो आर्थिक पैकेज दिया, मेरे ख्याल से ऐसा पैकेज शायद किसी भी राज्य ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, ये थॉट आपके पास कैसे आया और आपको क्यों लगा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की ज़रूरत है इन तमाम लोगों को जो आजीविका जिनकी संकट में थी कोरोना के चलते? नहीं, देखिए, जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस समय मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, हमारे यहाँ की रीढ़ समझे जाने वाला जो हमारी चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा के साथ पूरे उत्तराखंड में पूरे देश से पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए भी आते हैं, तीर्थाटन के लिए भी आते हैं और पर्यटन के लिए भी आते हैं, तो वो यात्रा स्पर्श नहीं हो पाई और माननीय न्यायालय ने उसमें रोक लगाई हुई थी क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से, तो हमारे सामने बड़ा संकट पैदा हो गया क्योंकि हजारों लाखों परिवार वो इस यात्रा पर अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उसमें लोगों के घर द्वार चलने बिल्कुल जैसे कि मुश्किल हो गया था। तो उस समय में हमने सोचा कि सरकार के पास भी चूँकि संसाधन बहुत कम थे और रेवेन्यू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये निर्णय किया कि चाहे जो भी हो हम लोगों को इसमें एक पैकेज देंगे, सहायता राशि देंगे, जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, परिवहन से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, रिवर राफ्टिंग के क्षेत्र में, नौकायन के क्षेत्र में, अनेकों जो इस प्रकार के लोग हैं उन सभी को, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो सभी को कुछ न कुछ सहायता राशि देंगे। और चूँकि सहायता राशि अगर ऐसे देते हैं तो कई बार उनके उसमें पहुँचने में देर होती है। मुझे खुशी हुई कि मैं अभी पिछले दिनों टिहरी जनपद के भ्रमण पर गया था तो वहाँ टिहरी झील के किनारे मुझे 100 से ज़्यादा लोग मिले, और चूँकि मैं सोच रहा था कि ये भी किसी काम के लिए आए होंगे, कोई समस्या होगी,
तो मैंने पूछा कि किस काम के लिए आए हैं, तो उन सभी लोगों ने मुझे बताया कि ये आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उन्होंने कहा कि जो आपने हमको ये पैकेज दिया है वो पैकेज सीधे DBT के माध्यम से हमारे खातों में आना शुरू हो गया है। इसी प्रकार से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगभग 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया। उसमें हमारी आशा वर्कर हैं, हमारे टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं वो हैं, उन सभी को मिला के लगभग 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। ये भी लगभग हमारे 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे DBT के माध्यम से इसका भी जो है उनके खातों में जा रहा है। इसी प्रकार आजीविका मिशन में जो हमारे यहाँ पर लगभग 5-6 लाख परिवारों तक सीधे सीधे इस मिशन के तहत सब जुड़े हुए हैं, कहीं पर हथकरघा का काम होता है, कहीं बकरी पालन का, कहीं भेड़ पालन का, कहीं पर प्रसाद बनाने का, कहीं पर बुनकर जो उसमें उसके माध्यम से, उसके अलावा कहीं पर अचार बनाने का काम है, मसाला बनाने का छोटा उद्योग है, उसमें बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हमारे ग्राम संगठन और क्लस्टर के माध्यम से वो काम करते हैं। तो वो भी चूँकि कोरोना महामारी के दौरान उनका भी जो है कहीं पर सामान आया हुआ था, रॉ मटेरियल आया, वो बन नहीं पाया, बना तो बिक नहीं पाया, बाज़ार नहीं मिल पाई, तो उनकी भी जो है व्यवस्था ठीक से चले, वो भी अपने पैरों पर ठीक प्रकार से खड़े रहें, उनको हमने ध्यान में रखकर ये भी जो है हमने लगभग 119 करोड़ रुपए का उनको भी पैकेज दिया। इस प्रकार से हमने अभी नौजवानों के क्षेत्र में, नौजवानों ने चूँकि पिछले 1 साल में 1.5 साल में कोई परीक्षाएँ बहुत सारी हो नहीं पाई, तो हमने सबसे पहले तो समूह ग और ख में जो है 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई। आयु सीमा बढ़ाने के साथ साथ एक निर्णय हमने और लिया कि चूँकि आर्थिक तंगी से सभी गुजर रहे हैं, तो इस समय में उन लोगों को परीक्षाओं में भाग लेने के लिए कहीं पर आर्थिक संकट के कारण से वो इससे वंचित न रह जाएं, तो अभी हमने बिना शुल्क की परीक्षा कर दी है। 2022 तक इस साल जितनी भी परीक्षाएँ होंगी वो सारे के सारे में बिना आवेदन जो है बिना शुल्कों के भर सकते हैं, तो ये भी हमने निर्णय लिया है। और भी हमने ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जैसे हमने अभी जो नौजवान हमारे NDA, CDS या लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, PCS और सिविल सर्विसेज में जो भाग लेते हैं उनको भी जो है तैयारी करने के लिए, जब वो अपना प्री एग्ज़ाम निकाल लेंगे, प्री एग्ज़ाम के बाद जो तैयारी करने के लिए उनके पास बहुत सारे परिवारों में आगे संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, उनको भी सरकार ने 50,000 रुपये सहायता राशि के रूप में देने का प्रावधान किया है। अन्य भी जैसे हमारे पुलिस के लोग हैं जो दिन भर, मैंने देखा पहली लहर के समय में भी, दूसरी लहर के समय में भी, चौराहे चौराहे पर धूप में खड़े रहते थे और बड़ा मतलब विकट परिस्थिति में उन्होंने काम किया। इसी प्रकार से रेवेन्यू में हमारे छोटे पटवारी से लेकर तमाम जो हमारे इस कानून को हैं, पटवारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, रेवेन्यू में और काम करने वाले हैं, सारे विभाग उस समय इधर उधर हो रहे थे तो वो लोग काम कर रहे थे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, सहायक ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन सभी को हमने किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन के रूप में एक राशि तय करी, वो हमने दिया। वो इसलिए दिया कि सिर्फ केवल उनको, एक तो हमने कोरोना वॉरियर्स माना, उनका एक तरह से हमने प्रोत्साहन किया जिससे कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए काम किया है तो उनका प्रोत्साहन हो। तो इस क्षेत्र में हम सभी जगह कोशिश कर रहे हैं सहयोगी के रूप में, सरकार सबके काम करे, साझेदार के रूप में काम करे। ग्राम प्रधानों का भी हमने जो मानदेय उनका 1,500 हुआ करता था पहले से, काफ़ी लंबे समय से काफ़ी काम करना पड़ता है, चूँकि ग्राम प्रधान हमारे एक ऐसी इकाई है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ी होती है, तो उनको भी जो है हमने 1,500 से बढ़ाकर उनका मानदेय भी 3,500 किया है। आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए भी हमने उनको भी जो है, चूँकि जो पेंशन मिलती है उनके आश्रितों के लिए उसमें व्यवस्था नहीं थी, निकट भविष्य में चूँकि उनके लिए भी जो है आश्रितों के लिए भी व्यवस्था करी है, क्योंकि हमारा प्रदेश आंदोलनकारियों का भी प्रदेश है, हमारे शहीदों का प्रदेश है, यहाँ पर वीर सैनिकों का प्रदेश है, माताओं बहनों ने बड़े आंदोलन में भाग लिया था, सभी को ध्यान में रखकर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आर्थिक पैकेज के बाद अब आर्थिक गतिविधियाँ कितनी शुरू हो पाई है, राज्य कितना ट्रैक पर आ चुका है, क्योंकि टूरिज्म खुलने लगा है, बाकी चीज़ें खुलने लगी है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी? हाँ, देखिए निश्चित रूप से अभी उत्तराखंड के अंदर धीरे धीरे चीज़ें सामान्य स्थितियों में आ रही हैं, पटरी पर लौट रही हैं, और मुझे बड़ी बताते हुए खुशी है कि इस समय हमारी चारधाम यात्रा भी चालू हो गई है, हालांकि वो बहुत अभी सीमित संख्या के साथ माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति दी है, क्योंकि
उस समय में माननीय न्यायालय ने रोक लगाई थी उसमें कि कोरोना महामारी के कारण से। फिर लगातार हम लोग पिछले 2.5 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये यात्रा चले। उसके लिए हमने पहले हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, लंबा समय बीत गया। फिर हमने वहाँ से विड्रॉ किया, फिर माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में फिर से हमने अपनी सुनवाई के लिए अर्जी डाली कि हमको फिर से सुना जाए क्योंकि अब कोरोना महामारी कम हो गई है, इसलिए यह यात्रा चालू होनी चाहिए। यहाँ की आजीविका की रीढ़ है, यहाँ के लोगों का मुख्य जो है वो है, उनके घरों को चलाने का साधन है। तो न्यायालय ने कुछ सीमित संख्या के साथ वो यात्रा को चलाने की अनुमति प्रदान की है। यात्रा अच्छी चल रही है तो आने वाले समय में हम दोबारा से देखेंगे, क्योंकि अभी चूँकि 12 बजे के आसपास वहाँ पर जो मंदिर हैं केदारनाथ जी या ऊपर बद्रीनाथ जी में, चारों धामों में, वहाँ पर संख्या मतलब ठीक से जा रही, व्यवस्थित तरीके से जा रही है, इसलिए हम आगे चलकर जो है उसको संख्या को बढ़ाने का मतलब वहाँ आवेदन करेंगे जिससे कि यात्रा ठीक प्रकार से चले। अपना पहले की तरह तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले तो लाखों करोड़ों की संख्या में यात्रा चलती थी, अभी हजारों में चल रही है, आगे चल के वो चलेगी। एक बड़ा साधन है इसी प्रकार से हर क्षेत्र में। एक बड़ा मुद्दा है देवस्थानम बोर्ड का, जिसको लेकर कई सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस भी हुए, कंट्रोवर्सी भी हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बीजेपी लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हुई है कि नहीं ये बोर्ड सबके भले के लिए है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि वो पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको स्क्रैप कर देगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने कहा कि कुछ लोगों का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है, हमारा एजेंडा चुनाव नहीं है। और मैंने जब से काम करना शुरू किया तो मेरे पास उस क्षेत्र से जुड़े हुए, चूँकि लंबे समय से मैं भी काम करता रहा हूँ तो पहले से पूर्व में बहुत सारे लोग परिचित थे। मैंने सभी को आह्वान किया कि आप लोग अपनी बात करिए, आप बात रखिए। तो लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में वहाँ के तीर्थ पुरोहित, वहाँ के पंडा समाज के लोग, वहाँ पर हकूकधारी रावल, जो भी सब उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, सब जनप्रतिनिधि, सब ने कहा कि इसमें देवस्थान में हमको सुना नहीं गया। हमने कहा नहीं, हम सबको सुनेंगे, सभी को हम सुन भी रहे हैं। और उन सभी को सुनने के लिए हमने, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पहले राज्यसभा के सांसद रहे हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जिनका पूरा जीवन उस क्षेत्र में बीता है, उनको एक उच्च स्तरीय समिति हमने गठित करी। और उच्च स्तरीय समिति उन सभी को सुनने के लिए, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है, वो सबको सुनेंगे और सुनने के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी जो भी होगा। तो क्या कुछ जो प्रारूप है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो उच्च स्तरीय कमेटी रिकमेंडेशन दे उसके आधार पर? हाँ, उच्च स्तरीय समिति सुनेगी और उन लोगों ने कहा है कि हमारी कुछ इसमें हमारी कुछ चीज़ों पर ऑब्जेक्शन है, या उनकी कुछ उसके अंदर है कि कुछ जरूरी जो चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने कहा है कि हम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर निर्णय लेंगे। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो परिवर्तन भी हो सकता है? हाँ, वो देखेंगे, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार का काम मंदिर का अधिकार लेना नहीं है, सरकार का काम है कि वहाँ पर उन मंदिरों में, उन स्थलों पर वहाँ व्यवस्था बनाना, वहाँ आवास की व्यवस्था बनाना, वहाँ पानी की व्यवस्था बनाना, वहाँ लाइट की व्यवस्था बनाना, वहाँ परिवहन की व्यवस्था बनाना, वहाँ पर जितनी व्यवस्थाएँ होती हैं मंदिरों को चलाने के लिए जो ज़रूरी हैं वो व्यवस्था करना है, अधिकार करना सरकार का काम नहीं है। इसलिए सरकार निश्चित रूप से उनके सहयोगी के रूप में काम करना चाहती है, व्यवस्था कराने का काम, चलाने का काम उन्हीं का है। तो अगर उनकी कुछ चीज़ें होंगी तो उसमें सरकार निर्णय लेगी और जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। बड़े क्लियर थॉट है आपके इसके बारे में, मुझे सुनकर खुशी हुई कि बड़े क्लियर थॉट रखते हैं आप। सोशल मीडिया पर एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बने, मुख्यमंत्री के तौर पर आप क्या सोचते हैं, और एक सन ऑफ द सॉइल मतलब जमीन के बेटे के तौर पर आप क्या सोचते हैं देवभूमि के बारे में? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि निश्चित रूप से यहाँ पर इसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी चर्चाएं चली हैं और इसको ठीक प्रकार से इस पर सुनवाई हो, सभी के पक्ष आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार की भी बात है, औद्योगिक विकास भी ज़रूरी है, और भू कानून की अपनी जो कानून है वो भी ज़रूरी है। तो उसको लेकर हमने यहाँ पर, हमारे पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं लंबे समय तक यहाँ पर और बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं श्री सुभाष कुमार, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, वो कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उस कमेटी का जब सुन लेगी सबको, जो भी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। मतलब जल्दी ही उत्तराखंड को एक नया भू कानून भी मिल सकता है? कमेटी सभी पहलुओं पर ध्यान करेगी और उसके बाद सरकार उसका अध्ययन करेगी। अब
मुख्यमंत्री जी, वैक्सीनेशन बहुत ही जल्दी आपका स्टेट 100% वैक्सीनेट होने वाला है, तो ये अचीवमेंट आपने कैसे प्राप्त किया और मैं समझना चाहूँगा अब कितनी स्पीड से काम होगा और आपका टारगेट क्या है? देखिए, मैं 10 जुलाई को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तो उस समय तक हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन चूँकि हो तो रहा था लेकिन जितनी हमारी क्षमता थी उस हिसाब से हमको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, और मैंने ये टारगेट रखा था कि नवंबर माह तक हम 100% वैक्सीनेशन करेंगे। हमारी सरकार ने भी तय किया था, सहयोगों ने, सब ने तय किया था, और हमारी 1.5 से 2 लाख कैपेसिटी रोज़ लगाने की यहाँ पर है। तो लेकिन उस समय हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, 5-6 लाख, 7 लाख तक वैक्सीन मिल रही थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम नवंबर माह तक पूर्व संपूर्ण वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, आप हमें वैक्सीन दिलवा दीजिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको जितनी वैक्सीन हमको चाहिए थी अगस्त माह के बाद, हमको अगस्त माह से वो मिलनी शुरू हो गई और हम उस लक्ष्य की तरफ हैं, बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर नवंबर के लास्ट तक हम ये जो है पूरा अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। पहाड़ी इलाका है, दूर दूर तक वैक्सीन जानी होती है, एक कहीं पर एक झोपड़ी है, कहीं पर 2 मकान है, कहीं पर 4 मकान है, इन चैलेंजेस को कैसे पूरा करते हैं आप वैक्सीनेशन ड्राइव? नहीं, उसमें जो हमारी बहुत सारी आशा बहनें हैं, स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य वर्कर हैं, रेवेन्यू के लोग हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। उन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि हम इस लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं, और 2 जनपद हमारे पूरी तरह से 100% वैक्सीनेशन कर चुके हैं, जनपद हमारा बागेश्वर और जनपद रुद्रप्रयाग, और अन्य स्थान पर भी लगभग कहीं पर 95, कहीं पर 92, इस प्रकार से हम पहुंच गए हैं। जल्दी जो बचा हुआ लक्ष्य है वो भी हम प्राप्त कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि हाल ही के दिनों में, सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुराने मुख्यमंत्रियों की बात भी कर रहा हूं, कि नौकरशाही पर अंकुश सरकारों का कम है, आप इस आलोचना को कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए, हमने नौकरशाही की बात लगातार उठती रही है, और ये बात सब जनता के बीच में से भी आती थी और अन्य जगह से भी आती थी। उसको लेकर हमने सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की कि अच्छे अधिकारी जो बाहर हमारे अन्य सेवाओं में काम कर रहे हैं उनको उत्तराखंड लाएं, उस व्यवस्था में सबसे पहले हम नए चीफ सेक्रेटरी यहाँ लेकर आए, SS संधू जी को, जो NHAI में चेयरमैन के पद पर काम कर रहे थे। हमने वहाँ से रिक्वेस्ट करी कि उनको उत्तराखंड के लिए अवमुक्त कर दिया जाए, और वो मेरे शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर उन्होंने आकर जो है यहाँ पर मुख्य सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इसी तरीके से हमने सचिवालय में भी जो ज़रूरी परिवर्तन करने थे, ज़रूरी जो जिम्मेदारियाँ बदलनी थी, उन सबको हमने बदला। थोड़ा मुश्किल काम भी था लेकिन हमने उसको करा और उसमें सबका सहयोग मिला। इसी प्रकार से हमने जिलों में भी परिवर्तन किया, और जहाँ ज़रूरी है हम उसको कर रहे हैं। हमने जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों तय की हैं, और सभी जगह पर हमने कहा है कि जो काम जिसका है वो काम उसके स्तर पर ही संपादित होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सबसे निचले स्तर की हमारी जो इकाई है पटवारी, राजस्व में पटवारी के स्तर का जो काम है उनके स्तर पर ही उसको पूरा होना चाहिए, और जो जिलों में जो काम है वो जिलों में ही पूरे होने चाहिए, जिलों में ही उसका निस्तारण होना चाहिए। अगर जिलों के काम देहरादून तक पहुंचते हैं, सचिवालय तक आते हैं या सरकार के पास आते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर जवाबदेही और जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तीनों फिक्स किए जाएंगे। इसके लिए हमने एक व्यवस्था बना दी है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी सरकारी अधिकारी कार्य दिवस जिस दिन होगा अपने कार्यालयों पर पाए जाएंगे और जनता की सुनवाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आलोचना ये हो रही थी कि भाई कई सारे PCs अफसर हैं, उनके ट्रांसफ़र हुए, वो अपनी पोस्टिंग पर ही नहीं गए, ऐसी कई चीज़ें मीडिया में आती रहीं। नहीं, अभी तो नहीं आई होंगी, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब नहीं आएंगी, पहले आती होंगी, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके व्यक्तित्व की विशेषता है कि आप बड़े मृदुभाषी हैं और विपक्ष को भी अपना बना लेते हैं, तो ये क्या आप सबको साथ लेकर राजनीति करना चाहते हैं जब उत्तराखंड की बात आए, यहाँ के विकास की बात आए? देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज मैं
मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। ये हमारे स्वभाव में है कि अब हम जब किसी पद पर आ जाते हैं या किसी जिम्मेदारी पर आते हैं तो फिर हम ठीक है जहाँ पर मेरी पार्टी का काम होगा या चुनाव का समय होगा या विचारधारा की बात होगी तो मैं पार्टी का सबसे पहले हूँ, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जिम्मेदारी पर हूँ तो मुझे संपूर्ण समाज की चिंता करनी है, क्योंकि लोकतंत्र का यही अर्थ है और लोकतंत्र में सभी को साथ लेके चलना है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आता हूँ चुनाव पे, क्योंकि चुनाव भी राजनीति की एक हकीकत है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव बेहद ज़रूरी है और भारत के प्रजातंत्र की खूबी यह है कि यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है, जो किसी तानाशाह देश में नहीं होता। अब अगले 4 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, 3-3 मुख्यमंत्री का बदलाव, क्या ऐसे में बीजेपी ये नारा दे पाएगी कि हम स्थायी सरकार दे पाए हैं 5 साल तक? नहीं, सरकार स्थायी है, ठीक है, वो भूमिकाएँ बदलती रही हैं, सरकार वही है, चेहरे बदलते गए हैं, कोई बात नहीं है। तो फिर इसका मतलब पास मिलता रहा आपको, गोल मारते जाएंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित। आप किसको अपने टक्कर में मानते हैं? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किस राजनीतिक दल से है? किसको आप मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई नई नई पार्टियां भी मशरूम हो रही है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं नहीं, किसी पार्टी की कोई टक्कर नहीं है हमसे। आपने कहा किसी पार्टी की कोई टक्कर नहीं है आपसे, लेकिन यहाँ पर आप जो हैं सबसे यंग मुख्यमंत्री हैं और आपसे कई बड़े सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्या आपको ये चैलेंजिंग लगता है? कभी आपको लगता है कि भाई यहाँ से टांग खींचना ना शुरू हो जाए, विपक्ष तो नहीं कर रहा है, यही लोग ना कर दे मेरी? बिल्कुल नहीं। आपको देखिए, आप पता कर लीजिए, आपके बहुत सोर्स होंगे यहाँ, आपके चैनल के भी, आपके व्यक्तिगत मित्र भी होंगे, सबसे स्मूथ सरकार चल रही है, सब खुश हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर, बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं, इसीलिए मैं पूरे देश के लिए ये जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी शौक क्या क्या रखते हैं, मतलब शौक इन द सेंस व्हाट आर योर हॉबीज? देखिए, मेरा वैसे कोई विशेष शौक नहीं है, मेरे को एक तो किताबें पढ़ने का शौक है, और किताबें खरीदने का और किताबें पढ़ने का दोनों शौक हैं, और पिछले कई सालों से मैं ये काम करता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी करी हैं, अपनी एक लाइब्रेरी भी बनाई थी मैंने, और उसमें मुझे, चूँकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किताबें जो है दिमाग को खुराक देने वाली हैं, अगर किसी दिमाग की कोई खुराक है तो किताबें हैं, लेकिन अब इस समय अब पढ़ नहीं पाता हूँ, तो उसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल में एक खींच रहती है, एक खिंचाव रहता है कि निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, और मैं सभी से कहूँगा जो भी राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे मित्रों का साथ करना चाहिए, इसके साथ साथ अपने जो अनुशासन है उसका भी मुझे शौक है। मैं रात को चाहे 1 बजे सोऊँ, 2 बजे सोऊँ, 3 बजे सोऊँ, मैं प्रत्येक दिन 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे? हाँ, प्रत्येक दिन। और मुझे ईश्वर की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि कभी भी सूर्यदेव अगर ऊपर आ जाते हैं तो उसके बाद मैं सो नहीं पाता। अगर आप विश्वास मानिए, अगर मैं 5 बजे भी सोऊंगा तो मैं 7 बजे से पहले उठ ही जाऊंगा। तो ये भी मेरा शौक है। ये आदत आपने बनाई है या ये आदत मतलब आपको विरासत में मिली है, या ये कहें आपकी ज़िंदगी में शुमार हो चुका है? देखिए, जहाँ तक ये आदत की बात है, ये अनुशासन मुझे अपने पूज्य पिताजी से प्राप्त हुआ। वो चूँकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सेना में थे, तो एक कड़ा अनुशासन, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना जाना, और जहाँ पर जो समय दिया है, और जो और कमिटमेंट, जो एक बार कमिटमेंट कर लिया उस कमिटमेंट को पूरा करना, ये सारे जो है चीज़ें हमको जो है उन्हीं से प्राप्त। मुझे लगा आप सलमान खान का डायलॉग बोल देंगे कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया मैं अपने आप की नहीं सुनता। नहीं नहीं, चलिए। मुख्यमंत्री जी, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा गीत, समय पर खाना, समय पर गाना, तो क्या गीत संगीत सिनेमा इसका भी शौक रखते हैं आप? हाँ, पहले मैं जाता था पिक्चर हॉल में, बचपन में खूब पिक्चरें देखते थे, और
गए, लेकिन अब इधर के दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं। आपने अपने पिताजी की बात की, जो एक पूर्व सैनिक, जो सैनिक रहे हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डरिंग स्टेट है, यहाँ पे हर दूसरे घर से सेना में आया, हर एक घर से सेना में व्यक्ति मिल जाएगा। जब आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक ऐसे शख्स का वकालत करते देखते हैं जो उस सेना अध्यक्ष से गले मिलकर आया है, उसको अपना भाई बोलकर आया है, जो भारत में खून बहाने के लिए जिम्मेदार है, तो एक सैनिक के बेटे के तौर पर आपको कैसा लगता है? देखिए, एक सैनिक का बेटा हो या उत्तराखंड का कोई नागरिक हो, युवा हो, नौजवान हो, पूरे देश का हो, वो कोई भी इस बात को बिल्कुल उसके गले से नीचे बात हजम नहीं होगी कि जिनके साथ हम रात दिन युद्ध कर रहे हैं, हमारे कितने सैनिक। और उत्तराखंड के अंदर तो शहीदों की एक बड़ी संख्या है, ये तो शहीदों का प्रदेश भी है, सैनिकों का प्रदेश है। निश्चित रूप से उन शहीदों और उन सैनिकों का अपमान है उनको इस तरह से, इस प्रकार की संज्ञा देना, इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत ख़राब है। पहाड़ पूरा टैलेंट से भरा हुआ है, आप देखेंगे दिल्ली में भी पहाड़ के लोग, मुंबई में भी पहाड़ के लोग, फिल्मों में पहाड़ के लोग। इस प्रतिभा को और निखारने के लिए एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप और क्या करना चाहेंगे कि पहाड़ और निखरे, पहाड़ और खूबसूरत बने? आध्यात्मिक राजधानी के सवाल पर इसके बाद मैं आऊँगा। देखिए, पहाड़ की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे उत्तराखंड से निकले हुए लोग पूरी दुनिया के अंदर हैं, हिंदुस्तान के अंदर के अलावा पूरी दुनिया के अंदर हैं। वो जहाँ भी गए हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा का, उन्होंने एक तरह से मैं कहूँ कि अपनी प्रतिभा दिखाई है, जगह जगह पर अच्छे स्थानों पर गए हैं, अपनी पहचान बनाई है। हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे जो है वहाँ से भी वापस भी आएँ, और उनके लिए हम एक रिवर्स जो प्लान है उसकी योजना बनाएंगे। और साथ में जो हमारा प्लान जो चल रहा है, जो अभी सीमांत क्षेत्रों का प्लान चल रहा है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं धीरे धीरे गांव, आप लोगों के माध्यम से भी आती है बात, अन्य माध्यमों से भी आती है, कि उनको रोज़गार से जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़कर, क्योंकि उनको सीधे सीधे वो स्वरोजगार से जुड़े हैं। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना जो हमारी चल रही हैं, उन योजनाओं को और उनका सरलीकरण करने का हमने काम शुरू किया है। उसमें हम लोग कैंप लगा रहे हैं और सभी ज़िलों में कैंप लग रहे हैं, और कैंपों में एक जगह पर ही आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, आवेदन पत्रों के साथ साथ वहीं पर उनकी स्क्रूटनी हो रही है, और कोई प्रमाण पत्र लगाने हैं तो वो प्रमाण पत्र भी वहीं पर बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने बैंकों से भी कहा है कि बैंक के लोग भी उन्हीं कैंपों में वहीं पर आएँ और वहीं पर उनको ऋण दें, जिससे कि वो लोग अपना रोज़गार कर पाएँ। और अन्यथा पहले क्या था कि थोड़ा उनको दिक्कत होती थी, एक जगह पर कैंप लगते थे, कहीं पर स्क्रूटनी होती थी, बैंकों में जाते थे हजारों की संख्या में फॉर्म भरकर, और सैकड़ों जो है स्वीकृत होते थे। तो इस व्यवस्था को एक सरलीकरण और समाधान और जो है निस्तारीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है, इस रूप में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा आपने टूल बताया, जिस तरह से आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसमें क्या नया सोच रहे, क्या नया होगा आसपास के इलाकों में? आपने कहा साधु संतों के साथ मिलकर ये काम करेंगे। इतने सारे, हमारा देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और देवभूमि है हमारे यहाँ पर, इतने चार धाम हैं, देवी देवताओं के स्थान हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हमारे उधर पाताल भुवनेश्वर हैं, हाट कालिका है, हमारा जो है पूर्णागिरी का धाम है, तमाम अगर हम ऐसे करें तो जो है गोलजू देवता का स्थान है, हमारे जो है जागेश्वर धाम हैं। तो इतना बड़ा हमारा जो है यहाँ पर पूरा समझ लीजिए कि देवी देवताओं का स्थान है, साधु संतों का है इतना बड़ा हरिद्वार में। तो हमने कहा है कि चूंकि यहाँ की इतनी बड़ी प्राकृतिक जो है हमारी नैसर्गिक, जो हमारे यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर नदियाँ हैं, नाले हैं, गधेरे हैं, सब मिलकर जो आने वाले समय में चूँकि एक पूरे हिंदुस्तान को जो दिशा देने का काम है इस हिमालय से होता है, हिमालय से ऑक्सीजन निकलती है, हिमालय से सब चीज़ें जाती हैं, गंगा यमुना का प्रदेश है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमने एक प्लान बनाया है कि हम यहाँ के साधु संतों के सहयोग से, यहाँ के समाज के सहयोग से और सरकार के समन्वय से इसको आर्थिक विकास करते हुए विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो है राजधानी के रूप में इसको हम बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे।
चलते चलते मुख्यमंत्री जी, तो आपकी तरफ से गाना होगा या कविता होगी, बताइए। मैं जब पढ़ता था तो तब मैंने ये चार लाइनें लिखी थी कभी, कि दूर जाना ये न पूछो कितनी दूर जाना, दूर जाना ये न पूछो कितनी दूर जाना, मत रोको ये कहाँ है मेरा ठिकाना, अपने प्रेम में मत रोको मुझे, दूर जाना ये न पूछो कितनी दूर जाना। बहुत खूबसूरत, वाकई आप बहुत दूर पहुंच गए और मीलों दूर आपको जाना है। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए कि आप मीलों का ये सफ़र ऐसे ही तय करें जैसे आप करते रहें। जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपने इनका ऐसा रूप बहुत कम देखा होगा, और मुख्यमंत्री जी ने जो बातें की उन्होंने हमको प्रसन्न किया। उन्होंने बताया कि उनका उत्तराखंड के लिए विजन क्या है, उन्होंने बताया कि आगे वो राज्य के लिए क्या सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी, हमारे चैनल की तरफ से, न्यूज़ नेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।